rainy season. Next one is our rainy season. We have done our winter season, summer season. Now next is rainy season. So start by early June, low pressure condition over northern plain intensifies. It attracts the trade winds the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas in the northern ocean. They cross the equator and blow in southwestern direction, entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon. अब देखिए, इसको हम अगर बात करें तो अगर हम इसको नाम दे सकते हैं एडवांसिंग मॉनसून, इसको नाम दे सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि रेनी सीजन को हम मॉनसून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, मॉनसून आता है। अब बात कर रहे हैं कि जून मंथ में क्या होता है, अगले जून मंथ में क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है, कंडीशन हो जाती है और नॉर्थन प्लेस में क्या होती है, ये इंटेंसिफाई करती है कि लो प्रेशर हो जाता है। इट अटैच द विंड और ये क्या करती है कि जब लो प्रेशर लैंड पे होगा तो हाई प्रेशर क्या होगा, सी पे होगा, तो वो क्या करेगी, हाई जो होता है प्रेशर लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो ये क्या करती है, उस चीज को अट्रैक्ट करती है, ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती है साउथर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। दी साउथ ईस्ट इज साउथ ईस्ट ट्रेड वेंट ओरिजिनेट ओवर द सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ साउथर्न ओशन, साउथर्न ओशन में पूरे में ट्रेड करती है, ठीक है। और वो क्या करती है, इक्वेटर को क्रॉस करती है और बिलो द साउथ वेस्टर्न एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला, इस एरिया से यहां पर जाती है इंडियन पेनिनसुला के अंदर अपनी कमेंट करती है, यानी ठीक है, इस तरह से मॉनसून हमारे पास इंडिया में आता है, ठीक है। As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. अब देखिए, ये क्या करती हैं कि जो winds होती हैं, ये warm oceans के ऊपर से निकलती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं? जब obviously बात है कि अगर कोई warm oceans है, वहाँ पे वो क्या करेगा? obviously बात है कि evaporation process बहुत ज़्यादा होएगा। हवा अपने साथ क्या करती है, इवेपोरेशन यानी वाटर वेपर से कंटेन कर लेती है और वो साथ में लाती है वहां पे बारिश करती है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या है कि अगर बात करती है अर्ली इन द सीजन द विंड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल, यानी वेस्टर्न साइड में क्या होती है, वहां पे क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, अप्रोक्सीमेट वेस्टर्न घाट्स में क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर होती है बारिश, ठीक है। तो डेल्टा प्लेन जो दैट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइन इन द रेन शैडो एरिया, द मैक्सिमम रेनफॉल पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव इन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थन ईस्टर्न एरिया में नॉर्थ और ईस्ट एरिया में सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल, ठीक है। और इसमें बता रहा है कि मैक्सिमम रेनफॉल रीजन रिसीव्ड इन in the southern ranges, Kashi Hills receive highest rainfall in यानी एक नाम बताया गया है, इसमें नाम है Mausinaram, ठीक है, Manisaram में क्या है सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल वहां पे ही नोट डाउन की गई है। और राजस्थान में पार्ट ऑफ गेट स्कैटर रेनफॉल, यानी राजस्थान और गुजरात में कुछ रेनफॉल होती है, इतना वो नहीं कह सकते हम कि बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये फिनोमेना था इसका कि रेनी सीजन का किस तरह से आती है और इसमें क्या होती है, नॉर्मल चीज यही है कि इसमें मानसून का आगमन होता है, यानी मानसून इसमें आता है, प्री मानसून की बारिश होती है लास्ट में, जिसे कहते हैं मैंगोज पत्ते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं मैंगोज शॉवर्स के नाम, शॉवर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये रेनी सीजन का हो गया। अब बात करते हैं हमारा लास्ट जो है पोस्ट मॉनसून के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट में इसमें बताया ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर, यानी अक्टूबर और नवंबर की बात कर रही है, विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ। अब जो उसके सन की जो टुवर्ड साउथ की साइड में चले जाते हैं, ठीक है, सन तो उसके बारे में बता रहा है, द मॉनसून थ्रो और लो प्रेशर थ्रो ओवर द नॉर्थन प्लेन बिकम्स वीकर, यानी लो प्रेशर जो होता है वहां पे क्या होता है, कम हो जाता है नॉर्दर्न एरियाज में, इसकी वजह से
वहां पे लो प्रेशर कम हो जाता है, ऑब्वियस बात है कि भाई वहां पे हाई प्रेशर हो जाता है, इससे क्या होती है मॉनसून, यहाँ पे पोस्ट मॉनसून के बारे में बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम, और वहां पे क्या आता है हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है ग्रेजुअली, ओके, वो उसको रिप्लेस कर देता है। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। अब वो किसमें ट्रांजिशन किसमें हो जाता है कि हॉट रेनी सीजन होता है वो ड्राई विंटर सीजन में कंडीशन में उसमें चेंज हो जाता है। व्हाई डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट, यानी दिन में क्या होता है टेम्परेचर हाई होता है, रात को क्या होती है ठंड होती है, और रातें क्या होती है प्लीजेंट होती है। लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन बे ऑफ बंगाल ओवर अर्ली नवंबर, दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी, ठीक है। और इसने रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं उस मॉनसून में, आगे बताते हैं इसमें रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में बता रहा है कि पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थन ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर, अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, बट इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजोइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, यानी राजस्थान में कुछ पार्ट जो गुजरात का उसमें क्या होता है अप्रोक्सिमेट 60 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो अप्रोक्सिमेट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, आई होप यू लाइक इट एंड रिवाइज इट एंड डू क्वेश्चन आंसर आल्सो, हैव अ नाइस डे।